ये छोटा सा मेरे तरफ से गिफ्ट आपके लिए। दोस्तों अभी आप लोगों ने जो क्लिप देखा ये है राजा ब्लॉग। अब राजा ब्लॉग के बारे में आपको अच्छे से तो पता ही होगा क्योंकि इनके ऊपर काफी सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बनाया है, काफी सारे यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर रोस्टिंग वीडियो भी बनाया है। काफी सारे लोगों का कहना है कि ये बंदा हमेशा मतलब रोते रहता है, थंबनेल में कुछ और लिखता है, वीडियो में कुछ और लिखता है, मतलब कि बहुत सारे क्रिएटर्स ने इनके ऊपर वीडियो बनाया है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे छोटा सा उनका क्लिप दिखाना चाहूँगा राजा ब्लॉग के कि जिसे देख करके आपको भी बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि राजा ब्लॉग कभी ऐसा भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा सोशल मीडिया पर एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और वो है कच्चा बादाम। आपने भी कहीं ना कहीं इस पर ऊपर मतलब गाना तो सुना ही होगा क्योंकि देखिए कच्चा बादाम का सॉन्ग जो है इसके ऊपर काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने भी वीडियो बनाया है, शॉर्ट बनाया है, रील बनाया है, और अगर उनके वीडियो पर देखिएगा तो लाखों में मिलियन में व्यू है। बट दोस्तों काफ़ी मतलब किसी बड़े क्रिएटर ने इनकी मदद करने की कोशिश नहीं की कि इस भाई ने जिसने मतलब गाना गाया है इनकी स्थिति क्या है, इनकी मदद करने की कभी भी किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन दोस्तों चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ, आप लोग सबसे पहले तो वो क्लिप देख लीजिए। कच्चा बादाम जी जो काफ़ी वायरल हैं अभी वो हमारे सामने रेडी होकर के आ गए हैं, तो कैसे हैं आप, ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक, घर परिवार सब सही है? हाँ सब सही। चलिए भगवान का महिमा है आप वायरल हो गए, देखिए किस तरीके का परिस्थिति है इनका, देखो आप लोग। हमने इनका वीडियो में देखा है कि एक छोटा सा मोबाइल और चूड़ी लिए रहते हैं आप, है ना, तो हमने सोचा कि अब बड़ा मोबाइल लेकर के अब गाना गाएंगे, है कि नहीं? तो ये छोटा सा मेरे तरफ से गिफ्ट आपके लिए है ना, और आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे मेहनत करें। हाँ, मेहनत करके आप जब बड़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों अभी आप लोगों ने क्लिप देख लिया, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो मतलब जिसने भाई कच्चा बादाम का जो गाना गाया है इनका घर बंगाल में है और राजा ब्लॉग का जो घर है बिहार में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजा भाई ने मतलब बिहार से जाकर के बंगाल में इस भाई को एक फोन गिफ्ट किया और जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों देखिए जब आप मतलब सोशल मीडिया से काफ़ी कुछ अच्छे पैसे कमाने लगते हैं तो आपका अधिकार बनता है कि छोटे क्रिएटर को हेल्प करना ताकि उनका भी हौसला बढ़े, वो भी मतलब आगे चलकर कुछ करके दिखाएं, और ये चीज़ें राजा ब्लॉग ने करके दिखाया और ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए जितने भी क्रिएटर ने इनके ऊपर वीडियो बनाया है कि राजा ब्लॉग जो फेक चीज़ बताता है, गलत चीज़ें बताता है, मतलब जिनके मतलब जितने भी यूट्यूबर ने इनके ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनाया है, उन लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत चीज़ें बता सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपका अधिकार बनता है कि जब वो बंदा कुछ सही चीज़ करे ना तो उसको दिखाने का आपका अधिकार बनता है, हक बनता है। और आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका सोच सिर्फ मतलब कि निगेटिविटी की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं है, और इसीलिए आपको मतलब ये चीज़ें नहीं दिख सकता है कि राजा ब्लॉग कभी किसी का हेल्प भी करता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, खैर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।